सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड रोकथाम विशेष प्रचार अभियान के तहत नाट्य दल के कलाकारों नवनीत भारद्वाज और मानचंद ने कुल्लू के व्यासा मोड़ से अखाड़ा बाजार रामशिला होते हुए शारंगी बाग व तिब्बती मार्केट हनुमान बाग में कोविड के लक्षणों और सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता की अलग जगाई। उन्होंने कहा कि इस महामारी को जड़ से समाप्त करने में प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और सरकार व प्रशासन द्वारा महामारी के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करनी चाहिए। कुल्लू में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने कोरोना वायरस के प्रतिरूप को बाजार में घुमाकर कोविड के लक्षणों और बचाव के बारे में जानकारी दी। कलाकार नवनीत भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान लोक कलाकारों ने बड़े ही अनोखे अंदाज में कोरोना वायरस पर संदेश दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि सर्दी, खांसी, जुकाम और तेज बुखार जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षणों का होना कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है, ऐसे में बिना समय गवाए तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और कोविड टेस्ट करवाकर अपना उपचार करवाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी दवाई का सेवन न करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क व सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा मानकों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ये प्रयास था कि लोगों को जो है वो कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे बाजार खुलते जा रहे हैं, और ये कोरोना के मामले भी भीड़ बढ़ने के साथ एकदम से बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है वो एक नए और अनोखे अंदाज में, क्योंकि ये कोरोना वायरस दिखता नहीं है तो हमने उसकी एक प्रतिमूर्ति बना के जो है लोगों के बीच में ले गए हैं और लोगों को समझाया है कि इस तरह का जो वायरस है जो कभी भी नहीं दिखता आँखों से और वो कभी भी अपने आप को जो है वो चपेट में लोगों को ले लेता है, तो इसलिए जो है वो इस वायरस से दूर रहना पड़ेगा और वो इसीलिए हम सामाजिक दूरी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, मास्क को जो है प्रॉपर हम लोग लगाएंगे और हाथों को जो है अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे तो ही हम इससे जो है बच सकते हैं। और जो है वो ख्याल रखिएगा कि अगर गले में, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप जो है वो कोविड 19 का टेस्ट भी ज़रूर करवा लें। ये मुफ्त में होता है सरकारी हॉस्पिटल में, और 45 साल से ऊपर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें वैक्सीनेशन भी ज़रूर करा लें, और जब भी जिसका नंबर आता है वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है और उसको करवा लीजिएगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।